सब्सक्राइब कीजिए हमारे मैथ्स फॉर वीकर एंड स्ट्रॉन्गर चैनल को और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए मैथ्स से रिलेटेड लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर वीकर एंड स्ट्रॉन्गर पर। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी दो नंबर का स्क्वायर आप किसी भी तरह में झट से कर सकते हैं, पलक झपकते ही। देखिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 57 का स्क्वायर है, 57 का स्क्वायर, 5 5 25, 7 7 49। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 5 × 7 × उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे, 5 7 35 × 2 70। 70 को लिख देंगे ठीक बीच में, उसके बाद जस्ट प्लस ऐड 9 4 7 3 2 4 9। देखिए आपके सामने कितना जल्दी हो गया, हम आपको प्रूफ भी करके दिखा देंगे 57 टू 57। अब देख सकते हैं आंसर मैच कर गया है 3 2 4 7। अब मान लीजिए आपके सामने और एक तो नंबर है, मान लीजिए 70 76। इसका स्क्वायर करना है आपको, क्या करेंगे फिर से, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 7 × 6 × 2, 6 7 42 42 × 2 84 को लिख देंगे ठीक मिडिल में, 7। इसके बाद प्लस ऐड 5 7 7 6। देखिए 76 × 76, 5 7 7 6 आंसर आपके सामने है। तो ये होता कैसे है ना, इसके लिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं। रुकिए, देखिए किसी भी दो नंबर का जब स्क्वायर करना है, मान लीजिए यहाँ पे हम जैसे और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए 36 है 37 ले रहे हैं, तो 3 अब इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर अब 09 लिखेंगे, सिर्फ 09 लिखना है आपको, याद रखना है दो सम नंबर लिखना है, ठीक है। फिर 7 का स्क्वायर कितना है, 49 कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, 3 से 7 से गुना करेंगे, नेक्स्ट स्टेप का 3 × 7 और उसको फिर 2 से गुना करेंगे। देखिए ये हो कैसे रहा है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया 2ab, बस हो गया, मतलब ए स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर और ये 2ab, इसको हम मिडिल में इंटू करके लिख देंगे। तो इसका इंटू करके कितना हो रहा है, 3 7 21 2 42, इसको लिख देंगे ठीक मिडिल में, बस हो गया आपका 1369। आप कैलकुलेटर में चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी देखिए ये डिजिट है ना, ये कभी कभी 3 डिजिट भी आ जाता है, मान लीजिए उसमें डरने की कोई बात नहीं है। मान लीजिए आपके सामने है 79 का स्क्वायर, मेथड एक ही है सेम, 7 का स्क्वायर कितना है 49, 9 का स्क्वायर कितना है 81। उसके बाद क्या करेंगे, 7 × 9 × 2, 63 × 2 126, 126 को लिख देंगे, ये वाला गैप रहेगा, ठीक है, ये वाला मुझे नहीं लिखना है, मतलब 9 का स्क्वायर लास्ट में 81, मतलब 1 तो आना ही है, इसीलिए ये गैप यहाँ, ये यहाँ पे कोई कुछ नहीं लिखना है, चाहे 2 डिजिट आए या 3 डिजिट आए, यहाँ पे बस प्रोसेस सेम है, ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ गया 1 8 6 14 4 1 6 2 4 1, 6 2 4 1। देखिए हम आपके सबके चेक करके दे रहे हैं, 79 × 79, 6 2 4 1, मिल गया ना आंसर। और एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए इसी की तरह है 89 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना है 64, ये तो बच्चा भी बोल देता है 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर, ये कोई बड़ा बात नहीं है, 9 से लेके 9 का स्क्वायर है 81। उसके बाद क्या होगा, 8 × 9 × 2, मतलब 2ab
आठ नौ बाहर 72 इंटू टू 144, कहाँ पे लिखेंगे, इस प्लेस को छोड़ के इधर से, मतलब 144, 1 8 अक्षर 12 दो 7 9 2 1 बन गया ना। जो 10 2-3 सेकंड का बात है, कुछ नहीं है। तो ये हो गया 1 से लेके 99 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना कहीं मत भूलिए, क्योंकि इसके बाद मैं क्यूब का वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर हम सब्सक्राइब नहीं किए तो नेक्स्ट टाइम आप जब वीडियो डालेंगे नया वीडियो तो आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो देखिए क्यूब का स्क्वायर क्यूब करने के लिए एक तो हम दिखा रहे हैं, जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आएंगे थोड़ा डिस्कस करने। मान लीजिए 12 का स्क्वायर करना है, क्योंकि आपके सामने 12 का सॉरी क्यूब करना है। 1 2 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, 8 अच्छा 12 2 तक 1, 1 यहाँ पे लिख देंगे, लिख गया 1728। ये हो गया हमारा 12 का क्यूब। ठीक है, कितना टाइम लगा। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब जो अगर चैनल पसंद आए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पास में देखिए एक तो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।